दोस्तों, ये है वीवो का बजट 5G फोन। ये जो हैंडसेट है ये सिर्फ 10,500 रुपये के रेंज में आपको मिल जाता है, वो भी 5G हैंडसेट। ये है वीवो का T3 लाइट 5G। यहाँ पे ये हैंडसेट के अंदर अलग अलग वेरिएंट आ जाते हैं, कि 4/128 और 6/128। 4 GB वाले वेरिएंट की अगर हम बात करते हैं तो 10,500 रुपये में दिया है। 6 GB वाला वेरिएंट जो ये आपको मिल जाता है 11,500 रुपये में। इसी में से 6 GB वाला वेरिएंट हमारे पास है। बॉक्स अगर देखेंगे तो कुछ इस टाइप में आपको काफ़ी स्लिम सा बॉक्स दिया है। इस साइड में आपको कुछ हाइलाइट्स फीचर्स जो ये फ़ोन के दिए हैं। तो चलिए करते इसको फटाफट से अनबॉक्स और देखते ये फ़ोन कैसा है। तो लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी। Type-A to Type-C का जो ये डेटा केबल, कुछ यूज़र गाइड मैनुअल और मेन बात यहाँ पे कवर साथ में दिया है। लेकिन एडाप्टर की अगर हम बात करते हैं तो एडाप्टर यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे बैक साइड में अगर देखते हो तो ये फ़ोन के अंदर ये जो ये मेरे पास ग्रीन कलर है, इसके अंदर और एक कलर आ जाता है जो कि ब्लैक है। दो कलर के अंदर ये फ़ोन दिया है। बैक साइड में डुअल रियर कैमरा और फ्लैश लाइट का सेटअप है। हैंडसेट के अंदर बैक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो पूरा देख सकते हैं मैट फिनिश के अंदर बैक स्ट्रक्चर है। फिंगरप्रिंट के जो निशान है बिल्कुल भी यहाँ पे इस फ़ोन के अंदर नहीं लगेंगे। डुअल रियर कैमरा और फ्लैश लाइट दिया है, और ये जो स्ट्रक्चर ये थोड़ा सा ग्लास के अंदर दिया है। इस साइड अगर देखेंगे तो वॉल्यूम अप डाउन की पावर की दी है, जो कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आते हैं। और यहाँ पे स्पीकर की अगर हम बात करेंगे तो जो कि ऊपर की साइड में दिया है, हर बार नीचे की साइड में आता था, इस बार ऊपर में दिया है। नीचे जो ये आपको मिल जाता है Type-C चार्जिंग पोर्ट, माइक, हेडफोन जैक का ऑप्शन। दोस्तों, यहाँ पे प्रोसेसर की अगर हम बात करते हैं तो इस बार यहाँ पे मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 का प्रोसेसर दिया है, जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। 2.4 GHz की क्लॉक स्पीड आ जाती है यहाँ पे, और मेन बात रैम टाइप LPDDR4X का दिया है। लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 का सपोर्ट जो है ये इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ ही अगर हम बात करेंगे रैम एक्सपेंशन की, तो रैम एक्सपेंशन जो ये भी हो जाता है, जो कि 6+6 का यहाँ पे रैम एक्सपेंशन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे कैमरे की अगर हम बात करेंगे तो मेन कैमरा, बैक कैमरा 50 MP का है, और फ्रंट कैमरा जो है ये 8 MP। वैसे कैमरे के अंदर अगर देखते हैं तो लगभग सारे ऑप्शन इस फोन के अंदर आपको दिए हैं, जैसे स्लो मोशन, टाइम लैप्स, पोर्ट्रेट मोड आ जाता है, नाइट मोड जो है ये भी इस फोन के अंदर दिया है। स्लो वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग 1080 के अंदर और 720p के अंदर ही कर सकते हैं। HD और Full HD का ऑप्शन दिया है, 4K का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पे कैमरा क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो कुछ इस टाइप में आपको कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाएंगी। ये जो ये पोर्ट्रेट मोड की इमेजेस है। सेल्फी की अगर हम बात करेंगे तो डिसेंसी टाइप में आप सेल्फी की कैमरा क्वालिटी बोल सकते हैं। यहाँ पे सेल्फी के अंदर आपको जो ये कैमरा क्वालिटी के अंदर शार्पनेस और डिटेलिंग जो है इतना क्लियर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मल टाइप में सेल्फी की क्वालिटी दी है। एक एक करके आप इमेजेस जो ये चेक कर सकते हैं। और ये जो ये बैक कैमरे की क्वालिटी है, तो बैक कैमरे की क्वालिटी अच्छी दी है यहाँ पे। कलर सेचुरेशन, शार्पनेस जो है ये भी काफ़ी सही से मेंटेन जो ये हुआ है यहाँ पे। लो लाइट कंडीशन में अगर इमेजेस कैप्चर करेंगे तो कुछ इस टाइप में आपको लो लाइट कंडीशन में जो ये इमेजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगी। एक एक करके जो ये भी आप इमेजेस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लो लाइट कंडीशन में जहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट्स अगर रहा तो थोड़ी सी इमेजेस क्वालिटी यहाँ पे डाउन देखने को मिलेंगी आपको, बैक कैमरे की और सेल्फी की भी। दोस्तों, यहाँ पे डिस्प्ले की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच स्क्रीन के साथ में डिस्प्ले दिया है। स्क्रीन साइज 6.56 इंचेस का आ जाता है। HD+ का जो ये रिजोल्यूशन है। IPS LCD मिल जाती है। टच क्वालिटी देख सकते हैं कि कुछ इस टाइप में आपको टच क्वालिटी जो है ये दी है। 90Hz का जो ये रिफ्रेश रेट दिया है। लेकिन ब्राइटनेस की अगर हम बात करेंगे तो ब्राइटनेस की क्वालिटी अच्छी दी है, जिससे आपको आउटडोर के अंदर ब्राइटनेस को लेकर कोई भी दिक्कत यहाँ पे जो ये नहीं होने वाली है। ओवरऑल हैंडसेट अगर देखेंगे तो कम प्राइस रेंज के अंदर वीवो का ये पहला फ़ोन है, जो कि बहुत ही कम प्राइस रेंज के अंदर आपको 5G फ़ोन मिलता है। और इसके अंदर आपको सिर्फ 10,500 रुपये में 5G फ़ोन दिया है। सिर्फ चार्जर साथ में नहीं दिया है, लेकिन केबल आ जाता है साथ में। बैटरी की अगर हम बात करेंगे तो हैंडसेट के अंदर 5000 mAh की जो ये बड़ी बैटरी दी है। 15 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट इस फ़ोन के अंदर दिया है। दोस्तों, कम प्राइस रेंज के अंदर आप इसे काफ़ी आसानी से जो ये बाय कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।